ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही है, इसमें इसके दामन में हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला देलवी जैसी शख्सियत जलवगर है, इस भारत में वारिस देवा जैसी जो है शख्सियत जलवगर है, इस भारत में शहनशाह नासिक शादी शाह हुसैनी जैसे अल्लाह तबारक व तआला के बुलंदसीदा बंदे आराम फरमा रहे हैं, ये उनका फैजान है। कहीं ऐसा न हो अगर हम भी इसी तरह बेअमली और बदरारवी का शिकार हो जाए तो फिर हमारा भी उसी तरह हाल हो सकता है या उससे बदतरीन अंजाम और दौर से हमें भी गुजरना पड़ सकता है, जैसा कि फलस्तीनी मुसलमानों को और सीरिया के मुसलमानों को इस्लामिया के और हुकूमत के आला उद्दारान के हम जो है मशकूर है कि उन्होंने हमको कोऑपरेट किया हमारी इबादत के लिए, उन्होंने अमन की अपील की और हम भी आपको अमन की अपील करते हैं कि आप ईद उल फित्र के दिन को अमन शांति से बनाए, अपने और बेगाने सबके साथ एकवत मोहब्बत भाईचारगी गंगी जमनी तहजीब के साथ हम अमन के पैगाम को आमन करें और दुनिया को बता दें कि हम अमन आलम के मानने वाले हैं, हम रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं जिन्होंने अपनों के साथ और गैरों के साथ मोहब्बत को आम करने का दर्स दिया है और नफरत को खत्म करने की तालीम दी है। हम जो है जो लोग भी नफरत करते हैं नफरत फैलाते हैं हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, हम उनके मुखालिफ हैं, हम अमन के आलम के मानने वाले हैं और अमन ही की तालीम देते हैं और लोगों को नमूने अमल अमन का बनाने की तरगीब देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है के लिए आप इस मुबारक खुसूस दिन अपने मरहूमीन के नाम से इस आले सवाब की गर्द से जरूर बजरूर हिस्सा लेकर अग्र अजीम के मुस्तहिक बने। मस्जिद के जुम्मेदारान आपके सामने बाहर गेट पर आपके ताउन के मुंतजिर हैं, आपसे दरख्वास्त है कि आप जरूर ताउन फरमाते हुए जाए। तेरी सरकार में बस यही